श्री आदरणीय थानेदार साहब गांव धारेड़ू में पहुंचे हर एक व्यक्ति तो का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे कुछ मेहमान आए हैं जिनमें बाबा गोवर्धन दास जी हैं। इतनी गर्मी में बहुत दूर से आए हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं धारेड़ू की पावन धरा पर पहुंचने पर। तो एक छोटे से स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बाबा गोवर्धन दास जी, संचालक गौशाला रामपुरा डूटी वाला। इसी कड़ी में सरपंच धर्मवीर रामपुरा, संदीप यादव लोहानी गौशाला संचालक, पप्पू जाट जी राजगढ़, फूल कुमार सरपंच राजगढ़, राजेंद्र जी असलवास लाला लोहानी, कृष्ण खलीफा मानेरू, लोक गायक राजेश पुराणा, लोक गायक दीपक चिड़िया, लक्ष्मी चंद सेवा समिति वापोड़ा प्रधान विनोद शर्मा जी, ये मंच पर पधारे और अपना सम्मान ग्रहण करें। आवाज उठा दो थोड़ी सी, हेलो, बेस बढ़ा दो। हमारे नागर साहब भी सुबह से, हेलो, तालियां बजाएं एक बार। इसी कड़ी में ये नागर साहब आप पहले आपका सम्मान ग्रहण करिए। अमित जांगड़ा आओ जी। अमित जांगड़ा उपसांगी, अमित जांगड़ा जी साहब, दो शब्द कहिए आप। हेलो हेलो, सभी गांव निवासियों को, आसपास से आए हुए सभी साहिबान को मेरी तरफ से राम राम। 17 जून से 20 जून तक इसी महीने में 17 जून से 20 जून तक हमारी संस्कृति महाराष्ट्र अभिमान संगठन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गांव उमरावत में निर्माणाधीन सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद सांस्कृतिक भवन में सांग और रागनी कार्यक्रम होंगे। 17 और 18 को सांग, 19 और 20 जून को रागनी कलाकार, नए और पुराने सभी कलाकार वहां आपका मनोरंजन करेंगे। आप सभी नगरी वासियों से, आसपास गांव गुहान से आए हुए सजनों से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और जहां सालाना सांग कार्यक्रम होते हैं, गांव रामपुरा में श्री गोपाल गौशाला, वहां 29 जून से सांग शुरू होंगे। हमारे गुरु जी आए हुए हैं बाबा गोवर्धन दास जी, वहां के संचालक, उनके निर्देशानुसार सत्रह जून को वहां सांग होगा जी, महाशय बाबू दान सिंह जी, और 18 जून को सांग होगा महाशय विष्णु दत्त सांगे जी, जाटी कला से दादाजियों के सुपुत्र, और 19 तारीख को कुछ नए कलाकार, क्योंकि संगठन का मकसद है कि संस्कृति को बढ़ावा मिले, नए बच्चे जो सीख रहे हैं, कुछ नए कलाकार और कुछ पुराने कलाकार वहां होंगे। 19 और 20 को हरियाणा प्रदेश नहीं, राजस्थान, यूपी, दिल्ली,
दूर दूर से कलाकार आएंगे, वहां रागनी के रागनी कंपटीशन होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा सरपंच साहब से कि वो रामपुरा में होने वाले कार्यक्रमों की एक बार जानकारी दें। धर्मवीर जी, गांव रामपुरा श्री गोपाल गौशाला के प्रांगण में इसी संस्कृति के तत्वाधान में 7 दिन का कार्यक्रम है, 8 दिन का, जिसमें से 29 और 30 तारीख को मंचन करेंगे यूपी के मशहूर सांगी हैं सोनू श्यामलाल किसी से हैं वो। 1, 2, 3 तारीख को राम शरण अत्री जी मोड़ी गांव से हैं, डिस्ट्रिक्ट करनाल से संबंध रखते हैं अत्री साहब, वो आपको प्रस्तुति देंगे। उसके बाद 4, 5, 6 और 7 तारीख को आपकी अपनी ये लोकप्रिय पार्टी आपको प्रस्तुति देगी। उसके बाद आप लोगों की श्रोतागण की मर्जी, भगवान की मर्जी और आगे कितना चलेगा। जोरदार तालियां। हाँ। तो मेरा तो सभी से आग्रह है, सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग वहां पहुंच करके, और जिस तरह से आप हर कार्यक्रम में हौसला बजाई करते हो, उत्साहवर्धन करते हो, इसी तरह ताकि ये संस्कृति जिंदा रहे, उत्साहवर्धन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपसे। जय हो गुरु जी। प्रेमी सजनों, और जैसा कि आप सभी को पता है ये 4 दिन का प्रोग्राम है, हमारे रिटायर इंस्पेक्टर जयप्रकाश जी दादा लक्ष्मीचंद जी की तस्वीर का अनावरण होगा 13 तारीख को, उसी उपलक्ष्य में ये 4 दिन का कार्यक्रम है। आज हमारे रईस यादव जी एक बेहतरीन कलाकार हैं, हमारी संस्कृति महाराष्ट्र स्वाभिमान संगठन की जगदीश भाई का परिवार का हिस्सा है, और कल बहुदान सिंह जी इनके गुरु हैं, कल वो होंगे, और 2 दिन के लिए हमारे बीच में हमारे सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी के सुपोत्र पंडित विष्णुदत्त जी 2 दिन अपनी पार्टी के साथ प्रस्तुति देंगे। ये कार्यक्रम तो है धारूढ़ गांव में, और जैसा राजेश भाई ने बताया था, क्योंकि स्थापना दिवस भी हमारा हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संगठन का इसी महीने में है, तो 17 और 18 को 2 दिन सांग होंगे, बहुदान सिंह का 17 को और 18 को पंडित विष्णुदत्त जी का, और 2 दिन रागनियों का प्रोग्राम होगा। इस बार कंपटीशन रखा है, कुछ लोगों की इच्छा थी कि नए नए बच्चों का कंपटीशन करवाया जाए, इससे क्या होगा नए बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलेगा। दादा लक्ष्मीचंद आश्रम पर जो बच्चे गीत गा के जाएंगे उनको एक अच्छी पहचान तो मिलेगी कम से कम, और उनको दादा लक्ष्मीचंद जी का आशीर्वाद भी मिलेगा आसपास के गाँव का। खास तौर से आज जैसे हमारे गाँव में ये कार्यक्रम है, ये गांव क्योंकि आदर्श गांव है, एक बारी थोड़ी सी लीक पैड तो दी थी वहां से जी, फिर समझ गया था उड़ाए, क्योंकि आदर्श गांव है धारडू, और यहां से जो भी संदेश जाएगा चाहे वो संस्कृति का हो, चाहे गायकी का हो, चाहे वो पहलवान का हो, कोई भी विषय हो, जो इस गांव से जो मैसेज जाएगा, जो संदेश जाएगा, वो साफ सुथरा और सुहावना और लुभावना होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी संस्कृति में कोई भी बात ऐसी वैसी हो जिसको हम पसंद ना करें, हमारी बहन बेटी बैठ कर ना सुन सकें, बाप बेटा ना बैठ करके सुन सकें। और जिस जगह पर ये प्रोग्राम हो रहा है वो तो एक ऐसी माननीय सम्माननीय पूजनीय जगह है, बाबा पोखरनाथ जी का ये डेरा है, जहाँ से हम सबको आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद मिलता रहा है और आशीर्वाद मिलता रहेगा जब तक धरती और आकाश रहेगा। ज़्यादा बात ना करते हुए रुकावट के लिए खेद है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, राम राम।
हाँ जी हो गया बुलाई जाओ ही पे लाला लोहानी बाबा गोवर्धन दास जी हो गया जी किशन खलीफा आ जाओ सरपंच साहब आ जाओ प्रतीक खड़े हो मोमेंट तो यार हो गया जी सरपंच साहब धर्मवीर रामपुरा पप्पू जाट जी राजगढ़ महाराज जी आ जाओ जी चिरंजी लाल राजगढ़ दिलबाग फोरमैन चिड़िया फूल कुमार सरपंच राजगढ़ संदीप यादव गौशाला संचालक लोहानी विनोद शर्मा जी दादा लक्ष्मी चंद कमेटी भागकोड़ा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने पर धन्यवाद कभी आगामी प्रोग्राम यादव साहब भाई दीपक का सम्मान करते हुए हमारी कमेटी की तरफ से बाबा पोखरनाथ डेरे के माध्यम से भाई दीपक बहुत अच्छे कलाकार हैं चिड़िया गांव से हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया है भाई के लिए एक बार जोरदार ताली लगाएं आप सभी और जिस बात के लिए मैं मंच पर खड़ा होया था दीपक भाई आज मेरी गुरुस्थली पर पहुंचे हैं और मैं मेरे गुरु की तरफ से और हमारे गुरुस्थली की तरफ से मैं दीपक भाई का सम्मान करना चाहता हूं हमारे छोटे भाई हैं सदा इनका आशीर्वाद गुरुजियों का आशीर्वाद इन पर बना रहे और सदा खुश रहे लोक गायक राजेश थुराना जी को सम्मानित करते हुए हेलो 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 राजेश थुराना और दीपक चिड़िया दोनों बढ़िया बात सुनाओ हेलो हेलो